नमस्कार फ्रेंड्स, आज का हम लोग एक नया टॉपिक पेज मेकर इन हार्ट। देखिए पेज मेकर है क्या, इसके पहले हमने वीडियो में बताया था आपको जो है कि हार्ट का एक्सटर्नल इंटरनल और ब्लड के बारे में पढ़ चुके हम लोग जो है। आज हम लोग का लगभग लास्ट टॉपिक चला ये है कि हार्ट को कंडक्ट कौन करता है, जो हार्ट बीट होती है, बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट को कंडक्ट करने का काम किसका मुख्य रूप से है, पेज मेकर का। अब देखिए हम जानेंगे कैसे वास्तव में हम लोग का हार्ट बीट करता है और हम लोग का हार्ट किस टाइप का होता है। ध्यान रखिएगा जो ये हार्ट होता है मुख्य रूप से दो टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा। एक तो न्यूरोजेनिक, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा, किसके द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा जिनका कमांड होता है। एक होता मायोजेनिक, मायोजेनिक ये न्यूरोजेनिक होता है, मायोजेनिक होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि मानव का हार्ट न्यूरोजेनिक आर मायोजेनिक, याद रखिए मानव का हार्ट जो होता है वह मायोजेनिक होता है। मैमेलियन हार्ट मायोजेनिक अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि जो मसल्स कंस्ट्रक्शन होता है तो मसल्स कंस्ट्रक्शन मायोजेनिक होता है, जबकि न्यूरोजेनिक जो होता है इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट को छोड़ जितने ये वर्टिब्रेट होते हैं क्या होते हैं, न्यूरोजेनिक। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा इस टोटल पार्ट को चार भागों में बांट दिया गया है। पहला देखिए आप यस ए नोड, देखिए यस ए नोड का ही दूसरा नाम पेज मेकर, पेज मेकर एक आर्टिफिशियल नाम दिया गया, ध्यान रखिएगा, जिनका हार्ट फेल्योर होता है या हार्ट बीट जो रिदम जो होता है कभी कम तो कभी अधिक, उसको बैलेंस करने के लिए याद रखिएगा पेज मेकर बाहर से लाके लगाया जाता है। देखिए पहला पेज मेकर या एस नोड, दूसरा एबी नोड, तीसरा बंडल ऑफ फिश, चौथा पुर्किंजे फाइबर। डिटेल डिस्कस करें सबके बारे में। देखिए सबसे पहले हमने आपको बता दिया था हार्ट के चार चेम्बर, पहला जो चेम्बर है ये ऊपर, जो दोनों ऊपर के आर्कस होते हैं, यह दोनों क्या होंगे आपके अलिंद होंगे, यह दोनों आपके अलिंद होंगे, जबकि यह दोनों आपके निलय होंगे, दोनों आर्किक और दोनों निलय। तो चूंकि अब पूछा गया ये यस नोड लोकेट कहां होता है, याद रखिएगा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अशुद्ध रुधिर राइट आर्किक में आता है, तो राइट आर्किक में कौन जाता है, याद रखिएगा अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा और कोरोनरी साइनस। तो इनकी जो लोकेशन होती है याद रखिएगा, जो राइट आर्किल के अग्र महाशिरा प्री कैमल वेन के पास जो यहां पर नली आपको दिखाया गया, ये देख सकते हैं आप, जो इसी के ठीक नीचे आपको दिखाया गया है, ये होता है आपका क्या, यसिन नोड। अब देखिए डिटेल बात करते हैं यसिन होता क्या है, कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया यस्सी नोड के बारे में डिटेल शार्ट नोट या यस्सी होता क्या है। अब देखेंगे हम लोग यस्सी नोड, यस ए एन, जिसका पूरा नाम साइनो आर्कुलर या आर्कुलो नोड। अब साइनो आर्कुलर इसलिए बड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आर्किल में यह है, इसलिए इसका नाम साइनो आर्कुलो नोड पड़ा हुआ है। अब इसका जो आर्टिफिशियल नाम जो पेज मेकर, देखिए पेज मेकर जो होता है इनका काम क्या होता है, पहले देखिए इनकी जो साइज होती है, ये देखिए मैच बॉक्स जैसे माचिस का डिबिया देख सकते हो जो है, यह माचिस का जो डिबिया होता है लगभग इसी के आकार का यह पेज मेकर होता है। अब देखिए हमने आपको बताया पेज मेकर जो आर्टिफिशियल मानव के हार्ट में लगाया जाता है ये उन्हीं के साइज की बात किया जाए तो मैच बॉक्स एक माचिस की डिबिया की तरह, जिनका वेट कितना होता है, वेट 20 to 50 ग्राम, 20 से 50 ग्राम इनका क्या होगा, वेट होगा। जबकि ह्यूमन हार्ट की अगर बात किया जाए जो ओरिजिनल ऐसे नोड होता है, इनकी आपकी चौड़ाई 3 mm जबकि लंबाई 1 cm की होती है। बात किया जाए अब जो मैच बॉक्स की तरह जो हमारे ऐसे नोड होता है जो मार्केट में मिलता है, जो हार्ट में ट्रांसप्लांट किया जाता है, यह याद रखिए
किन किन चीज से मिलकर बना होता है। हमने आपको बताया ये जो मैच बॉक्स की तरह जो होता है इसमें क्या क्या लोकेट या क्या फिट होता है, आखिर ये कैसे वर्क करता है। देखिएगा यहां पर सबसे पहले एक बैटरी उससे फिट होगी, दूसरा टीनी मतलब बहुत स्मॉल कंप्यूटर सर्किट होगा उसमें, कंप्यूटर सर्किट होगा। उसके बाद वन आर टू एक या दो उसमें वायर्स होंगे, तार होंगे। फिर उसके बाद फेसिंग लिप्स। अब देखिए ये वर्क करता कैसे, ध्यान रखिएगा। हमने कहा आपको बैटरी, बैटरी का काम क्या होता है कि उसको हमेशा क्या पावर देता रहेगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद अगर भी टाइप की बात किया जाए, पेज मेकर के टाइप की बात किया जाए तो मुख्य रूप से ये दो टाइप का होता है, एक सिंगल चेंबर पेज मेकर, दूसरा डबल चेंबर पेज मेकर। अब देखिए इनका वर्क क्या होता है, सिंगल चेंबर पेज मेकर कैसे फिट होता हमारे हार्ट में, देखिएगा। यहां पर क्या होता है कि हम लोग की यह वाली जो बोन जिसको कॉलर बोन बोलते हैं, यह बोन होता है, ध्यान रखिएगा, इसी बोन में क्या करके इसको फिट करके यहां पर इसको लटका दिया जाता है। अर्थात यह जो पेज मेकर है यहां से वायर के द्वारा बाइंड कर दिया जाता है। अब यह कहां इसकी बात लगाई जाती है, देखिए एक तो राइट साइड में जो वायर राइट साइड में लगाई जाएंगी, एक आप तो देख रहे हैं कि राइट वेंट्रिकल में एक राइट आर्किल में, तो जो आपको दिखाया सिंगल चेंबर पेज मेकर, जब सिंगल चेंबर पेज मेकर की बात किया जाएगा तो इनकी जो लीड्स होती है यह लीड्स आपके राइट वेंट्रिकल के पास लगा दी जाती है, जबकि डबल चेंबर पेज मेकर की बात किया जाए इसमें सिंगल लीड्स है तो यहां पर डबल लीड्स होंगे, जिसमें होता क्या एक लीड्स आपके राइट वेंट्रिकल में जबकि एक लीड्स क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में यहां पर लगा दिया जाते हैं, ठीक। अब देखिएगा हमने आपको बताया कि यह कॉलर बोन में क्या कर दिया था फिट कर दी जाती है, उसके बाद दोनों लीड्स को यहां पर अटैच कर दिया जाता है। अब देखिए इसकी प्राइस, कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये कितने का मिल सकता है, इसकी प्राइस क्या हो सकती है, तो देखिए मार्केट की जो इंडिया की जो प्राइस बता दें आपको हम, एक पेज मेकर 45,000 से 1.5 लाख तक का ही हो सकता ही है। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन, आखिर ये पेज मेकर कब तक हमारे बॉडी में चलता रहेगा, तो देखिएगा 4 से 8 साल मतलब 4 to 8 ईयर, 4 से 8 साल तक क्या होता है ये पेज मेकर हमारे हार्ट में वर्क करता है। अब देखिए ये था हमारा यस ए नोड या पेज मेकर की हमने बात किया। याद रखिए पेज मेकर एक आर्टिफिशियल होता है, जबकि यस ए नोड क्या होता है ह्यूमन में यह नेचुरल होता है। बात करते हैं हम दूसरा एवी नोड, देखिए नाम है एवी नोड, ए फॉर आर्टिक्यूलो वी फॉर वेंट्रिक्यूलो, अर्थात यह वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है मोटा भाग जो आपको यहां से दिखाई दे रहा है यही भाग आपको एवी नोड लिखा गया है। अब देखिए एवी नोड होता क्या, अभी कहां ये लोकेट होता है, देखिए यहां पर आपको पिछले वीडियो में बताया गया था जो लाइन यहां पर है यह दोनों आर्किल है, तो इसको हम इस लाइन में आरिक्यूलो सेप्टम मतलब इंटर आरिक्यूलो जो सेप्टम था इसी इंटर आरिक्यूलो सेप्टम के बीच में आपको यहां दिखाई दिया है, यही आपका क्या या आप कर सकते हो। हमने आपको बताया था कि प्री गवर्नमेंट पोस्ट गवर्नमेंट एंड कोरोनरी साइनस, तो यही कोरोनरी साइनस यहां पर आपकी लोकेट होंगे, इसके ठीक नीचे यही वाला भाग एवी नोड कहलाएगा। ये होता है आरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलो नोड, बात क्लियर। अब देखिएगा यही एवी नोड जैसे नीचे आएगा बाइफर्क हो जाएगा, बाइफर्क मतलब क्या ये दो भागों में बढ़ जाएगा, तो पहले जो जहां भाग नहीं बटा हुआ ये देखिए ये वाला भाग ये आपको बंडल ऑफ हिस्स, यही बंडल ऑफ हिस्स अब दोनों भागों में बढ़ते हुए दोनों वेंट्रिकल्स के पास जाते हैं। अब देखिए जहां से बटना प्रारंभ हुआ ये देखिए यहां बढ़ गया, एक भाग राइट की तरफ जा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक भाग क्या राइट की तरफ जा रहा है, तो जो लेफ्ट राइट जा रहे ध्यान रखिएगा राइट बंडल ऑफ हिस्स, जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है लेफ्ट बंडल ऑफ हिस्स, अर्थात ये दोनों भाग दोनों तरफ फैल गए,
अब लेकिन इसमें आपको जो ब्रांचिंग दिखाई गई है, ये देखिए ब्रांचिंग जो दिखाई गई, ये सभी जो ब्रांचिंग दिखाई दे, जस्ट लाइक ट्री ब्रांच, इन ब्रांच को याद रखिएगा पुरकेंद्रीय फाइबर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस टॉपिक, इनसे याद रखिए। कई बार क्वेश्चन यह पुट अप किया गया है कि पुरकेंद्रीय फाइबर किससे संबंधित होता है, हार्ट से, लंग से, किडनी से, ठीक। तो याद रखिएगा पुरकेंद्रीय फाइबर याद सिर्फ और सिर्फ यही आपको हार्ट में ही पाया जाता है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, लगभग हम लोग का ये टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, बताएं, निश्चित रूप से सलूशन आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।